हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने यहीं से, क्योंकि सुबह चाय वगैरह सारी हो चुकी थी, उसके बाद जस्ट मैं कॉम्ब करती हूँ बालों में। वैसे मैं कभी पहले कर लेती हूँ, कभी बाद में करती हूँ, ये एक हैबिट सी बन चुकी है मेरी। तो मैं यहाँ पर कर रही थी कॉम्ब बालों में, और फटाफट से कॉम्ब करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर। तो बेल का आइकन है जो, उसको प्रेस कर लेना ताकि वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हुए हैं 7:45 और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन एक बार रूम की हालत देख सकते हैं। कुछ ऐसा करके चले जाते हैं स्कूल जाने से पहले। अभी इनको समेटूंगी, और पहले बाहर मशीन वगैरह लगा दी है, तो फटाफट से काम करना स्टार्ट। रूम तो आपने देख लिया ही होगा, कितना ज़्यादा मेसी हो रहा है। बच्चे स्कूल के लिए नहीं निकले हैं, उनकी जो बस आती है घर के बाहर ही आती है, तो 7:15 बजे के करीबन आती है। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ जाती है 6:30 बजे के करीबन, और ये भी मतलब सुबह सुबह इसकी पोनी वगैरह बनानी होती है, क्योंकि थोड़े बाल बड़े हो गए हैं तो बिखरे हुए बहुत ज़्यादा मेसी लगते हैं। और फिर इनके दादाजी वगैरह कहते हैं कि बाल कट करवाएंगे, तो सुबह सुबह मैं इसको कोम्ब करके एक पोनी बना देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर ही रखती है, तो दिन में कई बार बनानी पड़ती है। थोड़े इसके बाल जो हैं वो कर्ली टाइप से हैं, तो पीछे भी हम दो बना देते हैं, जिसकी वजह से काफी क्यूट भी लगती है ये। और ये अभी जस्ट नहाने के लिए भी रेडी हो जाएगी अपने पापा के साथ ही। सुबह सुबह जिद कर लेती है जब बच्चे नहाते हैं तो, लेकिन मैं इसको सुबह इसलिए नहीं नहलाती क्योंकि फिर ये वैसे ही हो जाती है, मतलब थोड़ी देर बाद ही बच्चे ये खाना वगैरह खाने के बाद इसको नहलाऊंगी। 8 बजे के करीबन इसको मैं नहला देती हूँ, 8:15 बजे के करीबन इसको बात करते करते पोनी बनानी पड़ती है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं बनाती। इसका अगर अटेंशन पोनी पर ही रहता तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाने देती, और अब इसको गुस्सा आ रहा है तो कॉम्ब वगैरह नीचे फेंक दिया इसने। तो दोस्तों, मैं आ गई थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे, और जस्ट अभी जिया जी आए थे ड्यूटी से। 7:30 नाइट ड्यूटी रहती है, तो 7:30 बजे 8 बजे के करीबन ही आते हैं। तो अभी हस्बैंड नहीं गए हैं, तो मतलब बच्चे गए थे, 7:30 का टाइम है। किचन थोड़ा सा मेसी हो रही ही है, क्योंकि अभी मैंने स्लैब को साफ़ नहीं किया है। खाना वगैरह बनाने के बाद काफ़ी सारे काम बिखर जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो किचन को थोड़ा देर में संभालूंगी। पहले मैं चाय बना रही थी जिया जी के लिए और बेटी के लिए, चावल और राजमा डाल दिया। आज चावल राजमा बने थे, वैसे रोटियां भी बनी थी, तो मैं चाय साथ साथ बन जाएगी, तब तक मैं बेटी को खाना दे देती हूँ। और मेरी बेटी यहाँ पर देख सकते हैं अपना चावल राजमा लेकर बैठी हुई है, आराम से खुद खाएगी, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। मशीन भी चल रही ही है, आधे कपड़े वॉश हो चुके हैं, आधे बचे हुए हैं। हस्बैंड पशुओं को नहला रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रहता है। मॉर्निंग में इसी तरह से काम सभी मिलजुल कर लेते हैं। कुछ दीदी करके चली गई है स्कूल में पशुओं का, तो यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी सारा बिखर जाता है। तो यहाँ पर दूध पलोना होता है, जैसे पशु मतलब भैंस अभी दूध देती है तो इसको गर्म करना होता है, और फिलहाल अभी गैस के ऊपर ही गर्म किया जाता है, तो गर्मी ज़्यादा रहती है, तो सुबह सुबह ही इसको मैं डाल कर रख देती हूँ गैस के ऊपर ताकि गर्म हो जाए। क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, 11:30 बजे के करीबन टाइम काम ख़त्म होता है, तो उस टाइम पर अगर पलोते हैं तो वो हो जाता है। सुबह 4:15 बजे के करीबन दूध निकाल लेते हैं, तो फटने का डर रहता है, तो मैं इसको अभी मतलब डाल कर रख दिया है, थोड़ी देर में गैस के ऊपर रख दूँगी और गैस को स्लो कर दूँगी, जब तक मेरा काम ख़त्म होगा तब तक ये भी मतलब हो जाएगा गर्म। एक चीज़ के लिए हम खड़ा नहीं रह सकते, अदरवाइज काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो दूध को कर दिया था मैंने, और उसके साथ साथ मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई है, तो मैं चाय देख कर आती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने पशुओं को नहला दिया है, तो बाहर का सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद अंदर का संभाल लूँगी, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है। तो यहाँ पर पशुओं को नहला दिया था और पानी भी आ रहा था, तो पानी वगैरह तो मैंने बीच में भर लिया था, जिसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं की है। इसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ एक बार जो रेत है उसको साइड में कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ धोऊंगी और फिर अंदर का करूँगी, और सूख जाएगा तो पोछा लगा दूँगी। तो इसी तरह से देख सकते हैं आप, पूरी टाइल पर मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर अभी फटाफट से पानी आ रहा है, तो बाल्टियों से ही डाल देती हूँ फटाफट से, अदरवाइज़
जब नहीं आता रहता है तो मतलब एक बाल्टी डालकर मतलब डब्बे से डाल डालकर धोना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने टैंक को पहले ही फुल कर लिया है, बिल्कुल भरा हुआ है, और फटाफट से डाल दूँगी जो मैं इसको रिता रही थी, क्योंकि साइड में लीक हो जाता है। बिल्कुल घर ऑन रोड पर है तो गेट खुला रह जाता है, तो मतलब घूंघट वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसको क्लीन कर देती हूँ। पानी आ रहा है तो पानी से भी जल्दी हो जाएगा, और रेत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पशु जब नहलाते हैं तो यहाँ पर रेत तो आना जायज़ सी बात है, कच्चे में बंधे हुए हैं, मिट्टी है जहाँ पशु बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर पशुओं को पक्की जगह पर बांधा जाता है, जैसे ईंट या मतलब टाइल गिरी होती है या गद्दे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो पशुओं को कटाव देते हैं, ये बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होता। पशुओं को लुई आज़ादी होनी चाहिए, खुले में कच्चे में ही रखना चाहिए पशुओं को, कभी भी मतलब पक्की जगह नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं, मतलब इन ये बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस करके देखिए, एक पशु जो टाइल के ऊपर पूरे दिन रहेगा तो उनके शरीर में कितना मतलब पेन होता होगा। लेकिन आजकल लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न बन गए हैं, पशु तो रखते हैं लेकिन उन चीज़ों को मतलब फिलअप नहीं कर सकते, और पशुओं को मतलब हमेशा सब कुछ पक्का रखते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती। पशु मतलब मूतते हैं, गोबर करते हैं, तो वहाँ पर मक्खी भिन बनाती रहती है, ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहती तो मतलब और भी ज़्यादा मेसी रहता है। कच्चे में ये चीज़ें मतलब फिर भी नहीं हो पाती, और यहाँ पर मैं बिल्कुल जहाँ पर पशुओं को नहलाया था इसको रोज़ झाड़ू लगा कर पोछा लगाती हूँ। मेरा अंदर का घर भी इतना क्लीन नहीं रहता होगा जितना कि बाहर, जो मैं टाइल को हमेशा, मेरी है इतनी आदत हो गई है, एक दिन भी बिना झाड़ू लगाए पोछा लगाए नहीं रहती यहाँ से बिल्कुल क्लीन। जब बाहर का क्लीन रहेगा तभी अंदर का रह सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाहर से गंदगी लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का भी मेसी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा से ही साफ़ सफाई रखती हूँ, और मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट धो चुके थे, अभी सुखा के आने हैं, और अभी 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बस 8 बजे के करीबन इतनी ज़्यादा धूप होना स्टार्ट हो जाती है, और हस्बैंड यहाँ पर नहाने की तैयारी कर रहे थे, तो बस अभी इनका लंच वगैरह पैक करूँगी मैं। तो कभी बादल हो जाते हैं, कभी तेज़ धूप निकल जाती है, मौसम भी ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर मैं प्रेशर के साथ पानी डाल रही थी ताकि जितनी भी मिट्टी हो आरामी से निकल। तो यहाँ के क्लीनिंग करने के बाद मैं सीधे जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि फटाफट से ये काम भी ख़त्म करना है, उसके बाद फिर और काम में लग जाऊँगी, तो फिर वो रखे ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम बिखर जाते हैं। काम करते करते 10:30-11 का टाइम हो जाता है, और तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। मैंने ज़्यादातर कपड़े नीचे ही डाल दिए थे, कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, तो कुछ बड़े बड़े कपड़े थे, चद्दर वगैरह थी, तो और कुछ बच गए थे जो नीचे नहीं आए थे तार के ऊपर, तो मैं ऊपर आ गई थी। और ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है कि चद्दर वगैरह आराम से सूख जाती हैं, और ऊपर का नज़ारा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इवनिंग के टाइम में यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन क्या होता है ना, गाँव में हम ऊपर बैठ नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ लोग होते हैं ना, आजकल एक से बढ़कर एक ऊपर नीचे घर बना रखे हैं लोगों ने, तो क्या होता है कि छत के ऊपर चढ़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम आराम से खुले में नहीं बैठ सकते। अदरवाइज़ गांव में रहने का मज़ा कुछ अलग होता है, सर्दी के मौसम में या गर्मी में भी ठंडी ठंडी हवा आप ऊपर बैठकर ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, मतलब चारों तरफ तो हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। कई बार मन करता है अच्छी अच्छी वीडियो छत के ऊपर बनाएं, लेकिन वही होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि गांव में घूंघट वगैरह की मतलब वो होता है, और अभी भी मैं घूंघट इसलिए निकाल रखा है, अभी तो धूप ज़्यादा थी इसीलिए कर रखा है मैंने थोड़ा सा, अदरवाइज़ वैसे भी कहीं मिस्त्री लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगे हुए हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चला रहता है, तो मतलब ऐसे होता है ना कि गांव के लोग ही हैं कुछ मतलब ऊपर चढ़े रहते हैं, तो ये सब कुछ करना पड़ता है, गांव का माहौल ऐसा ही होता है। तो ऊपर के कपड़े सारे सुखा कर आ गई थी, और नीचे का मैंने वॉश वगैरह कर दिया था, और नीचे भी आप देख सकते हैं तार पूरी तरह से भरा हुआ था, तो आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। और नीचे जो टाइल बच गई थी जो मैंने आधी तो वॉश कर दी थी, और आधी जो बच गई थी उन पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पहले मैं बाहर का काम सारा समेट कर फिर अंदर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि फिर बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है फिर काम करने का मन।
तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद जस्ट हस्बैंड रेडी हो गए होंगे तो उनका दूध वगैरह गर्म कर कर दूँगी, वो दूध वगैरह और लंच वगैरह पैक कर कर देना है, और फिर बेटी थोड़ी देर की रेडी हो जाएगी फीडिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा उसको संभालना पड़ेगा और उसको भी नहलाना है। वो जिद कर रही थी अभी नहाने के लिए अपने पापा के साथ ही, लेकिन मैं बोली ठीक है मैं नहला दूंगी, क्योंकि अभी क्या है अभी गिल्ला है बाहर का, और वो नहाने के बाद इधर उधर घूमेगी फिर वैसी ही हो जाएगी, तो मैं थोड़ी देर बाद बाहर का पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहलाने के लिए सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर मान जाएगी तो। अभी क्या है वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो उसको फ़ोन की थोड़ी हैबिट ज़्यादा हो गई है, वैसे फ़ोन बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए बट क्या करें, अपना काम निपटाने के लिए औरतों के पास एक ही तरीका होता है, बच्चों को फ़ोन के ऊपर बैठा देते हैं, आराम से बैठे रहते हैं और तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं, तो ऐसे ही करना पड़ता है और कोई वो भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड नहा लिए हैं अभी, और तो ये थोड़ा सा रेडी होंगे तब तक मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद हाथ वगैरह धोने के बाद इनका दूध वगैरह गर्म कर कर देना है। तो ऐसे ही मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं, और एक के साथ दो दो तीन तीन काम निपटाने पड़ते हैं, और बच्चों के साथ बड़े फैमिली के साथ किस तरह से काम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी छोटी बेटी के साथ मैं अपने काम कैसे निपटाती हूँ। क्या होता है ना एक्चुअली में मेरे पास इतना वो नहीं होता कि मैं प्रॉपर रूप से आपको मैं वॉइस ओवर करती हूँ बाद में, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरा एक जॉइंट फैमिली है, और मैं खुलकर वीडियो इसलिए नहीं बना पाती, कभी दादाजी आ जाते हैं, कभी पापा जी आ जाते हैं, कभी जीजा जाते हैं, तो ऐसे कैमरा लेकर हम नहीं घूम सकते। वैसे किसी को रोका टोकी नहीं है वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे खुद थोड़ा सा शर्म आती है कि फ़ोन लेकर घूमती रहती है, और कई बार पापा जी तो देख भी लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप में ही ऐसा ओढ़ सा लगता है कि यार ये कहेंगे कि काम तो नहीं निपटा रही फ़ोन लेकर घूम रही है। तो बस यहाँ पर मैंने आपसे बातें करते करते सारी झाड़ू भी निकाल ली है, और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो जस्ट बाहर का सारा निपटाने के बाद अंदर का काम स्टार्ट हुआ है, और अंदर को मैंने सुबह दिखाया था जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो कमरे को कितना मेसी कर रखा था, बच्चों ने कल रात को ड्राइंग वगैरह बनाई थी, तो इतना सारा मतलब कागज वगैरह ड्राइंग पेपर वगैरह सब कुछ इधर उधर ही फेंक कर चले गए, और कुछ मतलब बच्चों ने कवर वगैरह जो बुक्स और नोटबुक को कवर लगे थे, तो काफ़ी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, सीजर वगैरह सब कुछ बेड के ऊपर चारपाई के ऊपर बिखरी हुई थी, तो सभी चीज़ों को मैं फटाफट से निपटाऊंगी और उसके बाद इस रूम को क्लीन करूंगी, क्योंकि संडे को मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग की थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस रूम को इतना ज़्यादा मेसी कर गए थे, जिसकी वजह से सुबह सुबह गुस्सा भी आता, लेकिन करें क्या, अभी बच्चे हैं और बिल्कुल भी नहीं मानते कितना भी कह लो। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चादर वगैरह को अच्छे से झटका झटका कर बिछा दिया है, और कर दी है रूम बिल्कुल साफ़, और फटाफट से दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ भी एक बार चादर वगैरह को अच्छे से लगाते हैं, उसके बाद करेंगे क्लीनिंग। तो ये तो हमारा हाउसवाइफ का रोज का ही काम होता है, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, और रोज ही सुबह ऐसे ही लग जाना होता है, और शाम तक फिर ऐसा ही हो जाना, और फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही। तो मतलब ज़िंदगी में ये हमारी लाइफ में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता कि रोज़ रोज़ यही काम होते हैं, तो कभी कभार कुछ अलग भी काम होने चाहिए, लेकिन ये काम तो हमारे ऐसे परमानेंट से बन गए हैं, हमारी ड्यूटी कह सकते हैं, जैसे ऑफिस में लोगों का काम होता है ना, उसी तरह से हमारा काम यही होता है, सुबह सुबह यही ड्यूटी होती है हमारी। तो मैं आ गई थी दीदी वाले रूम में, और यहाँ पर भी मैंने बेड शीट वगैरह को अच्छे से टाइट कर कर लगा दिया था, और जो कॉटन की बेड शीट होती है ना वो अच्छे से टाइटली हो भी जाती हैं, फिर दोबारा से मतलब इतना नहीं होती कि बच्चे एक तो वही जानवरों की तरह कूदेंगे तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज कॉटन की चादर इतना ज़्यादा नहीं होती जितने की रियोन वगैरह की जो चादर होती है ना वो पिसल जाती हैं एक बार में ही। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर सभी रूम में कॉटन की चादर लगा रखी है, वैसे रियोन की चादर चार पाँच रखी हुई थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, उनका फैब्रिक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिछाती हूँ तो बच्चे इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, उनका प्रिंट और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है लेकिन वो काम लायक नहीं होती। तो बस फटाफट से इस रूम को भी मैंने कर दिया है ठीक, अब फटाफट से कर लेते हैं डस्टिंग। और कल के कपड़े पड़े हुए थे आप देख सकते हैं, सोफ़ा भरा हुआ है, और ऐसा अक्सर ज़्यादातर घरों में होता है बट टाइम नहीं मिलता, तो एक सोफ़े के ऊपर या एक चेयर के ऊपर कपड़े रख देते हैं, टाइम मिलेगा तब इनको टह लगाऊंगी, और दोपहर में लगाऊंगी, बेटी सो जाएगी उसके बाद नहाने धोने के बाद लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे इसी तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ सभी चीज़ों को, क्योंकि एक गीला कपड़ा ले लेती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, जो कि अच्छे से हो जाती है, और टावल वगैरह यहीं पर
लटका गए थे, गिल्ले टावल थे, तो उसको मैं बाहर सुखा कर आई हूँ धूप में, ताकि धूप अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर मैं सोफे जो मतलब खिड़की वगैरह थी, दरवाजे वगैरह थे, सभी को अच्छे से एक कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ, सूती चुन्नी ले रखी है, उसी से पोंछ लिया। तो मेरा रसोई में मतलब पोछा वगैरह लगाऊंगी और बर्तन साफ करने बच गए, बाहर का सारा हो चुका है। बेटी बीच में ही रोने लग गई थी नहाने के लिए, तो उसको नहलाया है और अभी वो लग गई अपने फ़ोन में, तो इस तरह से वो फ़ोन में बैठी रहेगी, तब तक मैं अपने बर्तन वॉश करके लेके आती हूँ और किचन को साफ़ करती हूँ, बस ये काम रह गया। उसके बाद मैं नहाऊंगी और ये कपड़े पड़े हुए हैं, उसके बाद कपड़े उतार कर लेकर आने हैं, तो 11 बज जाएंगे मेरे काम करते करते, तो चलते हैं। एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप मैडम जी को देख सकते हैं, नहा ली थी और उसके बाद इन्होंने बाल नहीं मतलब करवाए थे, टाइम 9:45 का हो रहा था, नहा इसको नहला कर लेकर आई, काम सारा हो चुका था, किचन बची हुई है और बर्तन वॉश करने हैं, तो 11 बज जाएंगे काम करते करते। तो वैसे सारा पशुओं को अंदर बांध दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब इसको कुछ मतलब ये फ़ोन में लग गई है, तो फ़ोन में लगते लगते इसको बातों के लगाते लगाते इसको तेल डाल लूँगी, इसके बाद कॉम करूँगी, अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं करवाएगी, क्योंकि फ़ोन का इतनी ज़्यादा मतलब हो गई है, फ़ोन पर ही लगी रहती है, अभी ये क्या करेगी तब तक मेरा काम ख़त्म होगा, ना तो ये खाना मांगेगी, ना इसको भूख लगेगी, ना ये मुझे याद करेगी, आराम से इसी जगह पर बैठी रहेगी और फ़ोन को ऐसे ही उंगलियां चलाती रहेगी, और नए नए मतलब ज़्यादा करी नानी तेरी मौनी जो पोएम आती है ना उनको देखती है, और ज़्यादा कर इतनी बार देखती है एक ही चीज़ को, या सॉन्ग कोई भी सॉन्ग चला देती है, उस पर डांस कर लेती है अपने आप ही। तो अभी ये कह रही है कि ये कपड़े नहीं, और मेरे को यहाँ पर भी तेल लगा दो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इन्होंने ये कपड़े निकाल कर फेंक रखे और दूसरे कपड़े लेकर बैठी थी, तो मैंने दोबारा से इन्हीं कपड़ों को इसे पहनाया, इतना हो गई है कि अपने आप कपड़े निकाल लेती है आराम से अब। तो इसके मैंने बाल तो मतलब कर दिए हैं, पौने नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी गिल्ले बाल हैं, बाद में बनाऊँगी दोपहर के टाइम पर सूख जाएंगे तब, तो अभी ये 12 बजे तक तो सोने वाले नहीं हैं, उससे पहले मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:47, काम अभी सारा हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करके लेकर आ गई हूँ और ऊपर से कपड़े भी उतार कर लेकर आ गई हूँ, कपड़े उतार कर रख दिए हैं चेयर के ऊपर, कल के भी कपड़े टह लगाने हैं, लेकिन अभी खाऊंगी पहले खाना क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, खाना नहीं खाया है सुबह से, और अब मेरा ऐसे ही रहेगा सर्दियों में लेट, जैसे जैसे सर्दी आएगी खाना लेट होता जाएगा। सुबह एक सेब खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है, तो आज तो चाय भी एक ही पी थी, अदरवाइज मैं दो भी पी लेती हूँ, अभी चाय छोड़ूंगी धीरे धीरे करके। तो मेरी बेटी बैठी हुई है फ़ोन पे आराम से, तो मैं खाना खा लेती हूँ और इसको सुलाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी जाकर, तो देखते हैं। चलो खाना डालती हूँ, पापा जी का भी डालूंगी और मैं मेरा भी। तू नौजी में क्या हो गया, नौजी में क्या हो गया, क्या हो गया नौजी में, क्या हो गया नौजी, आ गई हैंकी दूँ, तो आपने देखा मेरा बेटी का नोटीपना। और यहाँ पर मैंने किचन बिल्कुल सब कुछ काम हो चुका था, यहाँ पर मैं खाना डाल रही थी, पापा जी नहा रहे थे, तो साथ साथ में पापा जी का डाल देती हूँ क्योंकि फिर मुझे बीच में उठना पड़ेगा, और दूध मैंने स्लो पर ही चला रखा है, काफ़ी देर हो गई, कम से कम आधा घंटा हो गया था, अच्छे से उबल जाएगा, अच्छी मलाई आएगी। तो यहाँ पर राजमा को मैंने गरम कर दिया था और चावल थे, पापा जी को चावल नहीं दूंगी क्योंकि सुबह बने थे तो ठंडे हो रहे हैं और टाइम 11 बजे तक का हो रहा है, तो मैं तो थोड़े से चावल भी ले लूँगी। और यहाँ पर पापा जी का खाना डाल लियो, सिंपल ही लस्सी दही राजमा और रोटी, ये होगा खाना। और बर्तन धोकर लेकर आई थी तो स्टैंड पर आधे लगा दी थे, आधे बचे हुए हैं स्टब में, और ये भी लगा दूंगी सोने से पहले, अभी देखती हूँ अगर बेटी साथ सो जाएगी तो इसके साथ साथ सो जाऊँगी, अगर नहीं सोएगी तो मैं नहाऊँगी पहले और फिर सोऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम लेट हो गया है, बच्चे आएंगे 2:30 के करीबन, और मेरा काम रोज़ यहीं 11:30 के करीबन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पापा जी की रोटी डाल दी थी और उसके बाद मैं मेरी भी डाल देती हूँ, तो मैं भी अपना खाना साथ साथ डालकर लेकर आ गई, खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लग गई है, नहाने का मन नहीं कर रहा अभी, अभी जिया जी नहाएंगे उसके बाद मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी उसके बाद नहाऊंगी, बेटी को सुला कर नहाऊंगी और फिर अगला व्लॉग स्टार्ट करूंगी बाद में नहाने के बाद। तो अभी मैं खाने में देख सकते हैं आप क्या क्या लेकर आई हूँ, मैं चपाती हैं, लस्सी है, लस्सी से ही पेट भरता है भाई,
और ये आज राजमा और चावल बनाए थे तो मिक्स कर ही लेकर आ गई, और ये राजमा की सब्जी है। तो ये सिंपल सा खाना होता है। चावल खाने का मन कर रहा था लेकिन थोड़ा सा लेके आई, ज़्यादा नहीं लेके आई। चाय होती है ना उसी से ही पेट भर जाता है, मतलब अच्छी लगती है। लस्सी मुझे अच्छी लगती है, मुझे दही बिल्कुल भी नहीं खाती, रायता खा लेती हूँ, दही नहीं खाती मैं। तो अभी इस व्लॉग को तो यहाँ पर मैं खा लेती हूँ राजमा चावल, आप भी खा लें, और काफ़ी टेस्टी बने थे। सुबह सुबह बहुत कम बनते हैं, रात के समय पर ही बनते हैं हमारे घर में राजमा चावल, लेकिन आज सुबह बच्चों की फरमाइश थी तो बना दिए थे। और बस अभी मैं टाइम देख रही थी, 11 बज चुके थे, बेटी नहीं सोई है, फ़ोन में ही लगी हुई है, वो सोवा उसको सुलाऊंगी पहले, फिर देखती हूँ नहाऊँगी या नहीं नहाऊँगी। लेकिन शरीर में इतनी थकावट हो जाती है, सुबह से लेकर दोपहर तक के काम ऐसे ही रहते हैं हमारे, और ऐसे ही मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन रहता है, कभी चेंज हो जाता है यूँ नहीं, कभी मतलब रूटीन ऐसे ही। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो